YouTube से कितना पैसा कमाया जा सकता है, ये है सद्दाम भाई मेरे साथ जो आज है वीडियो पे। इनका एक YouTube चैनल है सद्दाम टेक्निकल और स्क्रीनशॉट आप लोग देखो, इस महीने का अर्निंग कितना है, 3,20,000 रुपया। आपके सामने है लाइव प्रूफ। तो दोस्तों, इन्होंने YouTube के पैसे से एक देखिए टाटा नेक्सन 15 लाख का गाड़ी भी खरीदा है, साथ ही इनके पास सैमसंग के S23 अल्ट्रा 1.5 लाख का फोन है, आईफोन है 1.5 लाख का। तो बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया, घर वगैरह सब कुछ बनाया है। तो कैसे YouTube से इतना ये पैसा कमा रहा है, सब कुछ डिटेल आगे मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना। और सब्सक्राइबर कितना है, अगर कम से कम मतलब मात्र बोला जाए ना तो मात्र 3,45,000। और महीने का अर्निंग कितना है, 3-4 लाख रुपया सिर्फ YouTube का। स्पॉन्सर का अभी बात ही नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो से दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि YouTube पे सब्सक्राइबर कोई मैटर नहीं करता, कि आपका ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका कंटेंट मैटर करता है, आपका कैटेगरी मैटर करता है, कि आप किस कैटेगरी के वीडियोस बनाते हैं। तो सद्दाम भाई, सबसे पहले तो आपको वेलकम है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सद्दाम भाई हमारे झारखंड से ही है, ठीक है, लातेहार से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, YouTube आपने कब स्टार्ट किया था? YouTube सर हम स्टार्ट किए थे 2018 से। हमने 2018 में ईमेल आईडी हमने क्रिएट किया था, और आपका एक वीडियो देखने के बाद। अच्छा। आपका इससे पहले हम ब्लॉग वाला वीडियो देखे थे, जिसमें आप जो है टेक का जो वीडियो डालते थे, उसके साथ साथ आप एक ब्लॉग चैनल भी चलाते थे शुरू से। तो उसको हम देख करके जो है चालू किए थे। आपको उस टाइम अराउंड आपका 2 लाख सब्सक्राइबर होगा, उस टाइम चालू किए थे। तो उसी टाइम से आप मुझे फॉलो करते हैं? उसी टाइम से आपको देख करके जो है हम ईमेल आईडी सबसे पहले क्रिएट किए। क्रिएट करने के बाद हम उसी टाइम चैनल क्रिएट किए, बट उस टाइम जो है हम वीडियो थोड़ा बहुत बनाते थे, एक वीडियो कभी बना दिया, कभी महीने में फिर बनाता था, इस तरीके से। तो 2018 में आपने स्टार्ट किया, तो फिर कब आपका फर्स्ट पेमेंट, कितने सालों बाद आया, कितना मेहनत करना? फर्स्ट पेमेंट हमको लगता है कि अराउंड वही दो साल करना पड़ा, 2020 में मान लीजिए। किसी चीज़ का उतना अच्छे तरीके से हम लोग को ज्ञान नहीं था ना, कि किस तरीके से काम किया जाता है। हम लोग शुरू में आए थे तो उतना अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं था, तो फिर भाई का वीडियो आया। तो आप किसी के पास सीखने गए थे कि आप घर बैठे सब कुछ सीखे? कहीं नहीं, कहीं पर हम नहीं गए थे सीखने के लिए, YouTube पे ही वीडियो देख देख के। YouTube पे वीडियो देख देख करके। तो देखिए, यूट्यूबर बनने के लिए आपको किसी के पास जाना नहीं होता है। बहुत सारा अभी क्या हो रहा है कि कमेंट आता है कि मनोज भाई आपका एड्रेस बताइए कहाँ है, हमको आना है, आपसे मिलना है, चैनल के बारे में सीखना है। भाई सीखने के लिए आपको किसी के घर नहीं जाना है, ना किसी के पास जाना है। आप YouTube के बारे में घर बैठे सीख सकते हैं, इसीलिए हमारा चैनल ही खोला हुआ है। 1800 से भी ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देख लो, मिल जाएगा। चैनल बनाने से लेकर के थंबनेल कैसे बनाएंगे चैनल का, ठीक है, चैनल पे वीडियो अपलोड कैसे करेंगे, वीडियो एडिट कैसे करेंगे, सब कुछ तो आप YouTube से सीख सकते हैं। तो फिर ये कमेंट क्यों आता है कि एड्रेस बताइए, आपसे मिलना है, YouTube के बारे में सीखना है? अरे भैया, सीखना है तो आप घर बैठे ही सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए सद्दाम भाई आज YouTube से लाखों रुपया कमा रहे हैं, किसी के पास गए नहीं थे, और मुझे भी ले लो, मैं भी किसी के पास नहीं गया था, मैं भी खुद YouTube से ही सीख करके आज YouTube के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो 2 साल मेहनत करने के बाद आपका पहला पेमेंट आया, ये भी एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि YouTube पे मेहनत लगता है, टाइम लगता है। किसी का किस्मत ज्यादा तेज रहा तो भाई महीने भर में उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए, पैसा आ जाए, है ना। और अभी तो जानते हैं, अभी महीने में चाहूं तो 4 चैनल भी मोनेटाइज कर सकता हूं। अब कर सकते क्योंकि आप YouTube के गेम को समझ चुके हैं। बिल्कुल, YouTube एक साइंस है जिसके बारे में अगर आपको पता चल गया, सीख गए ना, तो आप 10-10 चैनल खड़ा कर दीजिएगा महीने भर। और अभी जो है ना, देखा जाए तो कहीं पर भी हमको प्रमोशन भी नहीं करना पड़ेगा कि हमें इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए आकर के। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर बोलेंगे कि 3 लाख सब्सक्राइबर तो यहाँ से सपोर्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। 0 सब्सक्राइबर वीडियो जो है, सिर्फ 1 वीडियो 2 वीडियो 10 वीडियो में चैनल मोनेटाइज कर सकता हूँ, इतना नॉलेज है। कॉन्फिडेंस लेवल जब आ जाता है तब ना, जब आपका एक चैनल बड़ा हो जाता है, चैनल एक खड़ा हो जाने के बाद ना, ये कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर में भी है, अगर मैं भी चाहूँ बिना चेहरा दिखाए मैं अपना चैनल 1 महीने के अंदर में एक चैनल खड़ा करके आपको दिखा सकता हूँ और पैसे भी कमा सकता हूँ। आप कमेंट आएगा करके दिखाओ भाई, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। अभी अच्छा खासा चैनल चल रहा है, इस पर टाइम नहीं मिलता है, देख रहे हैं ना वीडियो कहाँ बना रहे हैं। ये मेरा नया वाला घर है, उसके ऊपर छत पे खड़े होकर बना रहे। तो सद्दाम भाई सबसे पहले तो देखिए, अभी तो आप महीने में लाखों कमा रहे हैं, ये चीज़ सबने देख लिया, सबको पता भी चल गया, लेकिन थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी जानना जरूरी है ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। आपके पापा क्या करते थे YouTube से पहले? पापा पहले जो है ना गाड़ी वगैरह चलाते थे, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ड्राइविंग करते थे। महीने में कितना कमा लेते थे वो? महीने का सर कोई खास नहीं, देखा जाए तो ही 4-5 हज़ार रुपए महीने का, मतलब जिससे गुजारा हो सके उसी तरह से। हाँ, बस उसी तरीके से जिससे हम लोग का गुजारा हो सके। और जो भी होता था हम लोग का बस गुजारा होता था, मतलब शौक हम लोग पूरा नहीं कर सकते थे। अब YouTube की वजह से आपका जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या क्या आपने YouTube से अचीव कर लिया अभी तक, बता दीजिए थोड़ा। सर अभी तो देखा जाए तो 2 कार मैंने खरीदा हुआ है। 2 कार खरीद लिया? एक दो कार जो अभी एक से काम नहीं चल रहा था क्या? दो दो लेना, एक पापा के लिए छोड़ दिया ना सर। अच्छा, एक पापा को गिफ्ट कर, जो पहले लिए थे पापा को छोड़ दिया, और अब नया में लिए हुए टाटा नेक्सन जी। और एक घर बनाए करीब वही 15 लाख के बजट में, एक घर भी बना लिया। पहले का घर आपका कैसा था? पहले का घर था खपड़ा का घर था, कच्चा मकान था। अभी बना दिए हैं, और अभी एक शहर में भी जो शिफ्ट होने का तैयारी चल रहा है, वहाँ पर भी घर बनाने का। कुछ बिजनेस वगैरह भी? बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, शॉप बनवा रहे हैं एक।
अच्छा मेन रोड पे भी जो है काम चल रहा है। मैंने सब बनाया ऐसे मुझे हाँ, देख के बना आपका ही देख करके बनाए क्योंकि जो है साइड बैकअप होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ये बात इसीलिए इसीलिए बहुत कोई कमेंट करता है कि जब YouTube से इतना पैसा आता है तो दुकान उकान क्यों पैसा हर ऐसा नहीं है कि आज हमारा पैसा आ रहा है तो हमारा हर हमेशा जो है पैसा आता ही रहेगा, रेगुलर हमारा आता ही रहेगा। अभी हम 3 लाख कमा रहे तो ऐसा नहीं कि हम 3 लाख ही कमाएंगे, हो सकता है 5 भी कमा सकते हैं, 10 भी हो सकता है, 1 लाख भी कमा सकते हैं, 50,000 भी कमा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर इनकम का कोई। यहाँ पर सोशल मीडिया का पेमेंट कोई गारंटी नहीं होता, कोई महीना ज्यादा कोई महीना कम, क्योंकि सारा व्यूज पे डिपेंड करता है, एड जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा डॉलर्स बनेगा। अब थोड़ा सा सदाम भाई का आप लोगों में चैनल ही दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या ये वीडियो बनाते हैं और किस तरीके का व्यूज आता है और कैसे इतना पेमेंट इनका आ रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि YouTube का सब्सक्राइबर कम है इनका, 3 लाख 3.5 लाख है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। कैसे हो जाता है क्योंकि कैटेगरी मैटर करता है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा सारा कुछ। आपका ही वीडियो देख करके शुरुआत किए थे और आप ही से मोटिवेट हमें जो है काफी ज्यादा, हम आपको काफी समय से फॉलो भी कर रहे हैं काफी टाइम से, और हम सोच रहे थे कि हम भाई से मुलाकात करेंगे। चलिए आज फिलहाल फाइनली मिल रहे हैं भाई से, मिल के बहुत अच्छा, भाई के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, ये डायरेक्ट आकर वेट कर रहे थे, ठीक है, फिर मैंने देखा तो देखा भाई अच्छा खासा चैनल है, और मुझे फिर याद आया मैंने इनका खुद वीडियो भी देखा है, कोई ना कोई वीडियो तो मेरे मैंने जरूर देखा है इनका, क्योंकि चेहरा मुझे देखा देखा सा लग रहा है। अब यहाँ पर गाइस देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है, इस महीने का लास्ट 28 दिन का सारा डेटा आपके सामने है, सिर्फ 18 लाख व्यू आया 28 दिनों में, और 18 लाख व्यू पे ही बन गया है 3.5 लाख रुपया, समझ रहे हो ना, क्योंकि RPM बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका कैटेगरी है टेक। टेक कैटेगरी में क्या बताते हैं, फ्लिपकार्ट से जैसे प्रोडक्ट रिटर्न कैसे करेंगे, पेटीएम का KYC कैसे करते हैं, फोनपे का अकाउंट कैसे खोलते हैं, बेसिक चीज़ों के बारे में ये वीडियो बनाते हैं जो सर्चेबल टॉपिक होता है। लोग अगर सर्च करेगा फोनपे अकाउंट कैसे बनाए तो भाई का वीडियो आ जाएगा। अब सर्चेबल टॉपिक में क्या होता है कि अर्निंग ज़्यादा होता है, और अर्निंग कैटेगरी का टॉपिक है तो अर्निंग ज़्यादा होता है। लोन वगैरह कैसे रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोज इनके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं मंथली अर्निंग दिखाता हूँ कि हर महीने कितना कितना आया था, इस महीने का सबसे ज़्यादा बना है ना इसी महीने, और इससे पहले देखिए आप लोगों के सामने है सारा कुछ, दिसंबर का पेमेंट देखिए 3,65,000 रुपये आया था, ठीक है, नवंबर में 2,63,000 आया था, अक्टूबर में 3 लाख आया था, सेप्टेम्बर में 2.5 लाख, फिर अगस्त में 2.5 लाख, मतलब 2.5-3 लाख हर महीने अभी आ रहा है। देखा जाए तो करीब 1 साल से ऊपर से हो गया है, मतलब 2 लाख से नीचे एवरेज उतना आ ही जाता है, एवरेज 2 लाख मान के चलिए, समझ के देखो महीने में 25 लाख से भी ज्यादा सिर्फ यूट्यूब एडसेंस, ये आता है आपके स्पॉन्सर्स भी आता है, लेकिन उतना नहीं करते हैं स्पॉन्सर वगैरह में, ध्यान नहीं देते हैं वो समय, क्योंकि अर्निंग इधर ठीक ठाक ठीक ठाक है तो उतना इधर उधर अच्छा नहीं लगता। अगर यूट्यूब नहीं कर रहे होते तो अभी इतना पैसा नहीं कमा रहे, नहीं सर इतना कभी नहीं। अभी जो है इससे पहले हम फर्नीचर का काम करते थे, वही अभी हम करते रह जाते हैं और क्या। बिल्कुल, और इनका देखिए रेवेन्यू फॉर एवरी 1K व्यूज देख सकते हो, RPM जिसको बोला जाता है, 1,000 व्यू पे इनको 185 रुपया यूट्यूब देता है, मतलब 200 रुपये अप्रॉक्स, ठीक है, सबके चैनल पर ऐसा नहीं होता, अगर आप ब्लॉग वगैरह बनाओगे ना तो 1,000 व्यू पे 50 रुपया भी नहीं बनेगा, लेकिन इनका 200 रुपया बन रहा है 1,000 व्यू पे, क्योंकि RPM ज़्यादा है, अर्निंग कैटेगरी का चैनल है, और चैनल का कंटेंट वगैरह आप लोग देख लो, सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने है, कुछ इस प्रकार का व्यूज़ वगैरह कहाँ से आता है, देखिए वीडियो ज़्यादा है, शॉर्ट्स वगैरह ये अपलोड नहीं करते, सारा लॉन्ग कॉन्टेंट ही होता है। यूट्यूब सर्च से देखिए 84% व्यूज़ है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को सर्चेबल टॉपिक पर इनका कॉन्टेंट रहता है, इसलिए लोग सर्च करते हैं तो इनका वीडियो आता है, देखता है 84% खाली सिर्फ यूट्यूब सर्च से व्यू जाता है, फिर सजेस्टेड वीडियोस आता है, ब्राउज फीचर वगैरह से कुछ कुछ आ जाता है, तो सारा डिटेल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। यूट्यूब के वजह से आज के डेट पे भाई अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ये देखिए लाखों का फोन भी इनके पास है, आईफोन सैमसंग का कौन सा, ये S23 Ultra है, उधर आईफोन भी रखा 23 Ultra है, इधर देखिए भाई का 15 Pro Max, सारा यूट्यूब के पैसे आप लिए थे उसके बाद लिए थे, अच्छा मेरा लेने के बाद ही सेम कलर लिए हैं, सेम कलर भी है देखिए, नेचुरल टाइटेनियम जो इस बार आया था, और अभी जो ये वीडियो बन रहा है वो भी इसी फोन से बन रहा है जो कि मेरा है, मतलब सेम ही मॉडल है, सेम, तो इतना लाखों का तो फोन लेके घूम रहा है, 15-16 लाख का गाड़ी, 5 लाख का फोन रखे हैं सर, और घर में भी है चार फोन। हाँ तो फोन तो चाहिए क्योंकि अर्निंग वाला एप्लीकेशन वाला रिव्यू वगैरह करना पड़ता है, तो बहुत कुछ इन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन अचीव करने के लिए इन्होंने 2 साल पहले मेहनत किया है, फिर धीरे धीरे चैनल ग्रो हुआ, फिर धीरे धीरे पैसा, स्टार्टिंग में पहले मंथ में तो 2 लाख नहीं सर, पैसा क्या होता है वो तो जानता ही नहीं था ना, तो काम करते करते पता चला कि यहाँ से पैसा भी मिलता है, जब आपका वीडियो जब रेगुलर देखने लगा ना, एक वीडियो आया था मेरे पास, उसके बाद रेगुलर जब उसको देखने लगा ना, तब जाकर के पता चला कि पैसा भी मिलता है, तब काम करते मेरे पास फोन नहीं हुआ करता था, किसी से मांग लिया, ये मेरे को फोन दिया था ये बंदा, इसी से मैंने लेकर के जो है ना इसमें अपना चैनल लॉगिन किया, दोस्तों से मतलब फोन मांग करके वीडियो बनाया करते थे, क्योंकि इनके पास खुद का फोन भी नहीं था फोन, है ना, अब वीडियो कहाँ बनाते थे, जगह था बनाने का, वीडियो अगर बताएंगे ना आप बिलीव नहीं कीजिएगा, पता है पेड़ के नीचे बैठ के बनाते थे, पूरा दूर जा करके बस्ती से, हमको लगता है कि अराउंड 1 किलोमीटर दूर जा करके, कहे कि गाँव में जो है ना सारे लोग बोलते थे ये क्या कर रहा है इस तरीके का जा करके, तो पेड़ के नीचे बैठ करके बनाते थे। चलिए भाई ने काफी मेहनत किया, स्ट्रगल किया, आप लोग भी मोटिवेशन के तहत इस वीडियो को लीजिए,
मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। लगन के साथ वीडियो बनाइए, सीखिए YouTube के बारे में, सही तरीके से काम कीजिए और आगे बढ़िए। बाकी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, भाई के चैनल को भी आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।